हुए स्वागत है। आज आपके लिए मैं LDC की आंसर की कैसे देखें इसके बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूं। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि उनको पता चल सके कि राजस्थान LDC की आंसर की कैसे चेक है। दोस्तों मैं चलता हूँ आपको राजस्थान की जो वेबसाइट है उसमें ले चलता हूँ। तो आपको ये क्या क्या डालना है, यहाँ डालना होगा राजस्थान राजस्थान सिंगल साइन वन, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपको डालना होगा। मैं इसमें क्या करता हूँ, क्लिक कर देता हूँ SSO.Rajasthan.gov.in, ये डालना है आपको। तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ, ये क्लिक कर दिया मैंने, तो ये ओपन हो रहा है, अभी पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ क्या करना है अब देख लो दोस्तों, यहाँ आपका वो यूजर नेम डालना है, यहाँ पासवर्ड डालना है, ये सब कुछ डाल देना है। इसके नीचे यहाँ एक कैप्चा कोड डालना है, ठीक। मैं जल्दी से डाल देता हूँ, ये डाल चुका हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ। मैंने पासवर्ड भी डाल दिया, यहाँ कैप्चा कोड डालता हूँ, ये आप मोबाइल से खोल सकते हो, मैंने पूरा खोल के आपके लिए बता रहा हूँ। अच्छे से देख लो, ये खुल रहा है, ये खुल गया। इसके बाद आपको क्या एक ऑप्शन मिलेगा, रिक्वायरमेंट पोर्टल, नहीं मिले तो यहाँ क्या करना है आपको सर्च कर लेना है रिक्वायरमेंट पोर्टल, इसमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ क्लिक कर दिया मैंने, ये क्लिक हो गया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ माय रिक्वायरमेंट में जाना है, या फिर क्या करना है इसके बाद, ये नहीं करो तो आप इनिया या माय व्यू मोर में चला जाना। तो मैं आपको कहाँ ले चलता हूँ, डायरेक्ट यहाँ ऊपर ही करवा देता हूँ मैं क्लिक, माय रिक्वायरमेंट में दोस्तों, इसमें क्लिक करते हैं अपन। ये मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों, तो इसमें आपको आगे दिख रहा होगा कुछ, आगे यहाँ लिख रहा है ऑब्जेक्शन क्वेश्चन, तो इसमें क्लिक करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्लिक करते हैं, इसमें क्लिक करने के बाद आपको आगे और खुलेगा। ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी पता चले कि आंसर की कैसे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ आकर क्लिक कर दिया मैंने, ये देख लो, ये क्लिक करने के बाद यहाँ आ गया क्या आ रहा है, जो आपने फॉर्म भरा था यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट जूनियर रिक्वायरमेंट ग्रेड क्लर्क सेकेंड जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम, ये सब कुछ लिखा है। इस क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ये मैंने क्लिक कर दिया, ये इस पर क्या मैंने क्लिक करते ये पेज ओपन हो चुका है, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और बताता हूँ मैं आगे क्वेश्चन कैसे चेक करना है आपका आंसर। तो आगे क्या है, यहाँ क्या करना है, सब्जेक्ट डालना पड़ेगा, यहाँ एग्ज़ाम डेट, यहाँ क्वेश्चन नंबर, ये डालना पड़ेगा, ये डाल के मैं आपको बताता हूँ पूरा। यहाँ क्या है, इस सब्जेक्ट डाल दो आप, कोई सा फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन पेपर, ये डाल दिया, एग्ज़ाम डेट डाल दो आपकी कितनी तारीख को, मान लो 19 तारीख को है, और क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर मान लो मैंने डाल दिया 1, इसका आंसर आ गया, ये देखो इसका आंसर क्या था, डी, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप और भी क्वेश्चन चेक कर सकते हो, जैसे पांचवा क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, ये आ गया बी। तो आप इस प्रकार पूरे क्वेश्चन चेक कर पाओगे। तो आप यहाँ फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर डाल दो, और ऑब्जेक्शन भी करना है तो फिर डायरेक्ट यहाँ से ही कर देना, ऑब्जेक्शन टाइप क्या होगा ये सब कुछ बता देना है, सजेस्ट आंसर, और आपको इसका प्रूफ भी देना होगा यहाँ कि प्रूफ क्या है आपके पास, पर आपको आंसर की चेक करने कर सकते हो, और यहाँ ऐसे कैसे ऑब्जेक्शन करना है उसके बारे में पूरी डिटेल है। तो ये रोल नंबर आपका अपना आप आ जाएगा, इसमें आपको रोल नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आ गए हो। सबसे पहले अपडेट लेके आते हैं हमारे इस चैनल में, और करंट अफेयर्स का डेली वीडियो लेके आ रहे हैं, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।